क्या अखिलेश यादव पर फेंके गए जूते और चप्पल? क्या है अखिलेश के वायरल वीडियो का सच? सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अखिलेश यादव बस पर सवार नजर आ रहे हैं और उनके ऊपर कुछ चीजें फेंकी जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव पर एक रैली के दौरान जूते और चप्पलों की बौछार की गई। सोशल मीडिया साइट एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ऐसे कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी अखिलेश यादव बस की छत पर हैं और उन पर जूते फेंके जा रहे हैं। ट्विटर पर टाइम्स बीएसपी हैंडल से लिखा गया, एक सभा में स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता चलने के बाद अभी अखिलेश यादव के ऊपर उनकी रैली में जूता चल गया। जनता इनका सच जान चुकी है और कैसे भाजपा की मदद कर रहे हैं, ये सब 2027 के प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। वहीं ट्विटर पर जनार्दन मिश्रा नाम के यूजर ने लिखा, अगर कन्नौज में अखिलेश यादव पर जनता जूते चप्पल फेंक रही है तो समझ लो मामला बहुत गंभीर है। तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो का हमने फैक्ट चेक किया। दरअसल अखिलेश पर जूते नहीं फेंके जा रहे बल्कि उन पर सपा कार्यकर्ता फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। इस वीडियो को अगर आप स्लो मोशन में देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जिन चीजों को जूते और चप्पल बताया जा रहा है असल में वो फूल और मालाएं हैं। हमने जब इन वीडियो को ध्यान से देखा तो ये बात और भी साफ हो गई। कन्नौज में नामांकन के बाद अखिलेश यादव ने एक रोड शो किया था। वायरल वीडियो इसी रोड शो का है जिसे एडिट करके सोशल मीडिया पर 4-5 मई 2024 के बीच पोस्ट किया गया। वीडियो में अखिलेश यादव के साथ एक महिला भी देखी जा सकती हैं। वो औरैया के बिधुना विधानसभा क्षेत्र की विधायक रेखा वर्मा है। जिस वीडियो को एडिट करके वायरल किया जा रहा है वो 27 अप्रैल का है। उसी दिन अखिलेश ने कन्नौज के रसूलाबाद में रोड शो किया था। कन्नौज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले रसूलाबाद में अखिलेश ने बड़ा रोड शो किया था, लेकिन उनके इस वीडियो को गलत मैसेज के साथ ये कहकर वायरल किया जा रहा है कि उन पर जूते चप्पल फेंके जा रहे हैं, जबकि हकीकत में ये फूल और मालाएं हैं। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में झूठ को सच और सच को झूठ बनते देर नहीं लगती। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल द न्यूज बीट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।